तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आ चुके हैं और नए इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। तो गाइस, इस वाले गेम प्ले वीडियो में आप लोग सोच रहे हो भाई ये बीच से मैच क्यों स्टार्ट कर दिया, चूतियों की तरह वाला काम क्यों कर रहा है। बट भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये हुआ था रूम में मैंने ज्वाइन कर लिया था। बट आपको सॉरी इसके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने दिखा नहीं पाया क्योंकि दिमाग से बात उतर गई थी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन करना है, तो इसलिए मैंने बीच से रिकॉर्ड किया ताकि आप लोग को तो भाई भरोसा है तो एक देखना और क्या ही कर सकता हूँ। तो मैंने ये भी, और एक और मेन मोटिव था रिकॉर्डिंग करने का कि मेरे को ओम मिल गई थी, जिसके वजह से मैंने सोचा कि कुछ अच्छे शॉट्स हो जाएंगे जो कि आप लोग को देखना ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने बीच से रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया बस। ठीक है, तो ज़्यादा बंदे थे नहीं रूम पे, बस ऐसे ही मतलब जो मेन प्लेयर थे वो थे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं रूम खेल रहा हूँ या नहीं, तो मैं लास्ट में दिखा दूंगा आपको कि एकदम रूम की जो रियल फाइट हुई थी, एट जो जितने भी किल किए थे मैंने उसके बेस पे जो रूम का जो बना था वो सब था। ठीक है, तो अभी तो फाइट इंजॉय करो। तो इसमें मैं क्या करने क्या वाला हूँ भाई, बस स्नाइपर ही शॉट यूज कर रहा हूँ, मतलब कि बोले तो ओम मैंने ड्रॉप से कहीं से कतई भाई इसको तो उछलते उछलते ही निपटा दिया, तो ये तो बस नॉर्मल सी बात है। अभी मैं जैसा ही क्रेट लूट रहा था अपना, तब तक एक बंदा और आता है किधर से, मतलब पीयू के आया था शायद, आई थिंक, तो मतलब ऐसे घूमते घूमते आ गया। देखो इसको भी एक शॉट ओम का चिपकाने के बाद मैंने देखो ओम का शॉट ही ओम से ही मारा होता, मतलब दोबारा भी ओम ही ट्राई किया होता, बट मेरे टीममेट ने किल ले लिया होता, इस वजह से मैंने सोचा कि मार ही देता हूँ और जोन भी आ चुका था, तो इसलिए मैंने M4 चला दी। तो यहाँ पे ओम का शॉट बल्कि कनेक्ट किया था उसे मैं। ठीक है, तो गाइज आप ये नहीं कह सकते कि बस तुम M4 मार रहे हो। तो वहाँ से सीधे अपनी उसकी लोड वोड करने के बाद इधर इस साइड आ जाते हैं, तो इस साइड कतई मतलब स्मोक हुए रहते हैं। मैं सोचा यार चलो कुछ देख लिया जाए इधर भी क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या होते हैं भाई। तो यहाँ पर सिंपली सामने की तरफ रश करते हैं, तो और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मैंने सोचा फिर दो या एक दो स्क्वाड रश करे, तो मैंने थर्ड पार्टी करेंगे इसमें और क्या कर ही सकते हैं। तो थर्ड पार्टी के चक्कर में मैंने ग्रेनेड फेंक दिया एक, और देखता हूँ क्या किल मिलते हैं। कि और यहाँ पे गाइस बूम बाम हो गया, कतई दो बंदे हो गए थे, किल आराम से मिल गए और बस एक लास्ट बचता था। इसको भी आपने देखा होगा मैंने पहले ही ओम एक चिपका दिया था, तो भाई पता नहीं ये ओम की क्या ही ग्लिच है, हेड मारने पे भी या बॉडी शॉट भी मारने पे भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्रेनेड फेंका था तो मैंने डैमेज हुआ होगा, बट उससे भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इधर फाइट लेते समय जिधर मैंने ओम शॉट क्लियर किया ना, उस साइड भी बंदे थे कुछ, तो इधर मैं सिंपली आराम से देखने आता हूँ भाई, इधर ड्रॉप कतई BRDM गिरी रहती है, तो मुझे लोकेशन पता चल जाता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हेड दिखा उसका बंदे का, तो छोटे वाले सैक में रहता है। तो मैं अपने टीममेट को मार करके अलर्ट कर देता हूँ कि तो भाई रूम है, इंटेंस फाइट हो रही है, लास्ट में सब चिढ़ाने वाली बात आ जाती है ना, इस वजह से अच्छे से खेलना पड़ता है। और यहाँ पे भाई पता नहीं क्या ग्लिच है यार, ये छोटे मोटे पबजी लाइट का क्या ही ग्लिच होता है कुछ, मतलब ऑम्स रन मारने पे हेड पे देखने के बाद भी कुछ नहीं होता है। इधर से एक बंदा इस कारल से कतई टपाटप किए जा रहा था, भाई सबके हेड दिखता है, मैं मारता हूँ, देख रहे हो भाई, मतलब ओम का समझ लो एक शॉट में कुछ होने ही वाला नहीं है, बहुत अगर आप बहुत लकी हैं तो एक शॉट में किल मिल सकता है, बट छोड़ो यार मुझे क्या है, एक शॉट लगा दिया ना। और यहाँ पे भाई मैं लकी साबित हो जाता हूँ, वो भी बंदे का क्या ही ग्लिच था कि पिंग की हाई की इशू थी उसकी वजह से रुक गया था, तो एक शॉट में निपट गया, चलो कोई ना ओम कुछ तो काम आया। वहाँ पे क्लियर करने के बाद इस साइड आते हैं, तो स्टेडियम का लास्ट यही एक लोकेशन बता था जहाँ पे घर भर थे, और उस साइड तो पूरा मतलब मैदानी मैदान है यार, क्या ही बताएं अब। तो इधर मैं तो मतलब जैसे फर्स्ट स्टेप तो स्टार्टिंग में आ ही जाते हैं कि हाँ यहाँ पे बंदा होगा, तो मैं सोचा अंदर से ग्रेनेड फेंकूं, बट वहाँ से एंगल ही नहीं मिला, सोचा इधर से फेंकते हैं, कहा दो नॉक ऑफ हो जाएंगे तो और मजा है, बट यहाँ पे कोई नॉकवे नहीं होता है, कोई नहीं भाई, अपना फिर से बैंडेज वगैरह मार के सीधे हम कहते हैं भाई अब कुछ करना नहीं है, जोन में चलेंगे, जोन में आएंगे तो मारेंगे। पहले तो सोचता हूँ भाई सामने से जाऊं जोन में, फिर सोचा नहीं यार अंदर जाऊंगा फंस जाऊंगा फालतू का, अगर फंसने का मतलब अगर ऊपर से जंप कर दी बंदे तो मैं ओम लेके क्या ही निपटाऊंगा, और दीवार के साइड रहूंगा तो आएंगे तो आराम से, या कहते ही मतलब लमकुड़ियों की तरह कूद कूद के मारने की कोशिश करता, बट कुछ होता ही नहीं है भाई। और यार यहाँ पे M4 ओम चलाते चलाते पटापट दिमाग भी पटापट हो गया था, इस वजह से सोचा M4 के थोड़ा स्प्रे के मजे ले लेते हैं। अरे भाई ये साहब, तो बस गाइस आप अभी तक का यही तो रूम का चिकन निकल चुका है, बस
तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और गाइज आपको ये चीज़ दिखा दे रहा हूँ, देख लो आप 8 किल किए हैं बट कोई भी एक्सपीरियंस आ रहा है, कॉइन वाइन कुछ नहीं मिला क्योंकि ये रूम था, तो आप समझ ही गए होंगे अगर कोई प्लेयर रूम खेला। तो बस तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।